छूट गया स्कूल। प्राची जी, आप मेरे घर कल आओगी? क्यों जी? ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए। स्कूल खत्म हो चुका है, क्लासरूम में खाली करो जल्दी। वेल डन प्राची, तुमने इस बार भी फिर से क्लासरूम में टॉप किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं ये चाहती हूँ तुम ऐसे ही क्लासरूम में टॉप करती जाओ। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे को जब एक स्टूडेंट इतना कंसिस्टेंटली काम करता है। सच में तुम बहुत आगे जाओगी, बस अच्छे दोस्त रखना साथ। ये बात मत भूलना, क्योंकि अच्छा साथ ही आपको आगे लेके जाता है। बुरा अगर साथ हो तो बात नहीं बनती। आपको अगर बात बनानी है तो अच्छा साथ होना जरूरी है। दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हारे जैसे टॉप के हो। ऐसे बैक बेंचर से दोस्ती मत करना जिससे तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर असर हो। जा बजाओ। जरा से भी शर्म नहीं ना? किसको? तुमको। इस बार भी सबसे नीचे से ऊपर हो तुम। क्या बात है, लोग टॉप पे रहने का रिकॉर्ड करते, तुम नीचे रहने का रिकॉर्ड कर रहे हो? सच में तक गई हूं मैं तुमको समझाते समझाते, स्टडी करो। पर नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मुझे तुम्हारे घर पे आना पड़ेगा। घर क्यों? क्यों क्या क्यों? इतना टेस्ट हुआ, सबने अच्छे अच्छे मार्क लाए, जो कोने में बैठा था उसको भी 10 के ऊपर मार्क है, तुझे कितने मिले? दो को आइए। दो मिले। शर्म कर जरा, शर्म कर। दो मार्क मिले 40 मई से, फिर भी तू हंस रहा है। जब से स्कूल शुरू हुआ है तब से तू एकदम जीरो बॉटम पे है। कभी मुंह पर उठने की कोशिश ही नहीं की तुमने। अभी मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारी मम्मी को सब बताऊंगी। इसको देख, जब से स्कूल शुरू हुआ ये टॉप पे और तू एकदम बॉटम पे, कभी ऊपर नहीं आता तू। आप आओगी हमारे घर पे तो आपका टाइम वेस्ट होगा मैडम। मैं काम करता हूँ, मैं बताता हूँ मम्मी को। मुझे कोई जरूरत नहीं सकी। मैं आऊंगी तेरे घर, फुल एंड फाइनल। समझ गया तू? ओ नो प्रसाद जी, आपको तो टीचर ने काफी डांट दिया। कोई बात नहीं प्राची जी, ऐसे बड़े बड़े क्लासरूम में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। जाते हो कि नहीं गरा? हेलो सुमित्रा। हेलो शर्मिला। हो गए घर के काम? हाँ सारे काम हो गए तुम्हारे? मेरी भी जस्ट हो। लो आ गया। क्या रे, मुंह क्यों लटका हुआ है? शायद टेस्ट होगा आज स्कूल में। अरे हाँ टेस्ट था ना तेरा? था ना था। दिखा दिखा कितने मार्क मिले, दिखा। चल चल सुमित्रा। बेटा मेरा है। तेरा क्या, मेरा क्या, एक ही है। हाँ हम पूरी फैमिली जैसे रहते हैं ना सोसाइटी में। तुम्हारे बच्चे क्या, मेरे बच्चे क्या, हम सब बच्चों को अपने बच्चे मानते हैं। कितने मार्क मिले? नहीं टेस्ट था पर कैंसिल हो गया। वैसे प्रसाद सच तो बोल रहा है ना, सच में नहीं था क्या टेस्ट? सच में हुआ है कैंसिल। इतना गुस्सा, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता इतना गुस्सा। नहीं हो गई होगी सच में कैंसिल, पर झूठ नहीं बोलेगा। जा अंदर। इंसान गुस्सा तभी होता है जब वो झूठ बोलता है। मुझे मेरे बेटे पे पूरा विश्वास है, वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। वैसा कहाँ कह रही हूँ मैं, वैसा नहीं बोल रही। बस जो इंसान डरा हुआ सहमा हुआ झूठ बोल रहा होता है ना, वही ज्यादा गुस्सा करता है। क्या प्रॉब्लम है इनको, दूसरों के फटों में ठांग रहती है। मुझे मेरे बेटे पे पूरा विश्वास है, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। आजकल कहा बच्चे सच बताते हैं, माँ बाप को बच्चों का सच पता ही नहीं होता, बच्चे पीठ पीछे क्या कर जाते हैं। 80% बातें 88 and 0। हमको नहीं पता होती बच्चों के बारे में, वो क्या करते हैं, किसके साथ बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये वो। मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, सबको ऐसा ही लगता। चलो काम करने, मुझे तो पैर जैसे फ्री नहीं हूं मैं। क्या करूं इस टेस्ट पेपर का, अगर मम्मी ने देख लिया मुझे 40 में से 2 मिले तो मुझे 2 नहीं 40 देंगी। एक काम करता हूँ, इसको छुपा देता हूँ। हाँ
वैसे भी मैंने पिछले दो वाले भी छुपा दिए थे, ये भी छुपा देता हूँ। पर छुपाओ कहाँ, एक तो कबर के ऊपर है, एक नीचे है, अभी ये कबर के पास नहीं, कहीं और छुपा। आह, जहाँ पे बैठा हो वही छुपा देता हूँ, कोई नहीं देखता यहाँ पे। ला ला ला, बस दीदी ना आए, वो मेरी जाने दुश्मन है, मैं जब भी कुछ करता हूँ वो मुझे पकड़ लेती है, पर इस बार मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आई एम सुपरमैन। अगर मेरे टेस्ट पेपर के बारे में पता चल गया मम्मी को तो मेरा ही टेस्ट लेगी। नहीं नहीं, मेरे टेस्ट पेपर के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, पर निर्मला मैडम आ रही है ना, वो तो बता ही देंगी। मम्मी, मेरी नोटबुक देखे क्या आपने? बेड पे रखी थी मैंने। उधर ही रखी होगी, देख ठीक से। ये क्या है? उसके नीचे तो मैंने मेरा टेस्ट पेपर छुपाया। टेस्ट पेपर? मम्मी जल्दी इधर आओ। मम्मी क्या होगा? ये देखो मम्मी, आपके हीरे का टेस्ट पेपर, 40 में से 2 मार्क्स आए। शर्म आ रही है मुझे अपना भाई बोलते उसे। प्रसाद कहाँ गया? प्रसाद कहाँ चला गया? क्या हुआ शर्मिला? कुछ नहीं, कहाँ खुश? निर्मला मैडम, कोई हमारी बेटियों ने कुछ गलती तो नहीं कर दी? सुमित्रा, हमारी बेटियां तो खोले में चली गई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। नमस्कार। क्या फिर निर्मला मैडम, यहाँ का चक्कर? वो आपके बेटे के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ, तुम्हारा बेटा है ना बिन के नीचे। आइए नंदिर, आइए। चलो चलो। आप कहा? मैं बस उसकी माँ से बात करना चाहती हूँ। आई खुशी खुशी पहना तेरा दिया गहना चूड़ी। आपकी स्टूडेंट आप सोस। मम्मी मैं आती हूँ। रुको रुको, कहाँ चली कश्मीर की कली? बैठो जरा। मैंने क्या किया आप? मैं तो इनके क्लासरूम में भी नहीं हूँ, कॉलेज चली गई, पीछा ही नहीं छोड़ती। क्या लोगे आप, चाय पानी कॉफी? इल्ले इल्ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता प्री का, आपके जैसे। बाहु हुईस। आई आई हैप्पी का इंतजार था मुझे को। सुमा वो दिस एट दी क्लास की चिराई है। ए साउथ इंडिया। निर्मला मैडम क्यों आई है? प्रसाद को टेस्ट में कम मार्क मिले हैं, उसकी शिकायत करने आई है। तुझे अकल ही नहीं है कोई, इसलिए ऐसा होता है। मुझे क्या अकल नहीं? और कर अपने बेटे के आगे पीछे, तेरे लाड प्यार की वजह से सिर पे चढ़ गया था। मैंने नहीं सिर पे चढ़ाया, आपने सिर पे चढ़ाया, उसी की वजह से आज ये दिन आया। चुप बैठ। आप मुझे ऐसे चुप करती रहो, जब भी मैं प्रसाद को डांटती हूँ आप मुझे चुप कर देती हो, उसी का अंजाम है। क्या पुतरे पुतरे चल रही है दोनों के बीच में? देखो बात बहुत सिंपल है, आपको भी पता है मुझे को भी पता है मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। अच्छा यह होगा कि आप मुझे खुद बताए मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। श्रेया, तुझे को तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा मेरा, तू ये बता क्यों आई मैं यहाँ पे? शायद प्रसाद के बारे में आप कुछ बोलना चाहती हूँ, उसके बारे में शिकायत करनी है, या फिर टेस्ट में उसको कम मार्क मिले। पहली बार आपकी बेटी ने मेरे क्वेश्चन का बराबर आंसर किया। देखिए आज स्कूल में वीकली टेस्ट हुआ, हर वीक होता है, और हर वीक आपका बेटा 5 के आगे जाता ही नहीं। भाई भाई ये तो अच्छा है, 10 में से 5। 40 मई से है, 40 मई से। श्रेया के समय तो 10 में से था ना? हाँ तब उसके समय था 10, पर अब 40 हो गया है। आपकी बेटी 1-2 लाती थी, कभी कभी तो 0, कभी कभी नहीं, हर बार। अभी आपका बेटा आपकी बेटी के एकदम नक्शे कदम पर चल रहा है। क्या नक्शे कदम? माफ करना फॉर माय हिंदी। हमारे बेटे को भी इस बार कर दीजिए माफ। इल्ले
मैं उसको माप नहीं कर सकती। जून से स्कूल चालू हो गए, हर वीकली टेस्ट में उसको 2-3-0-0-2-3 ऐसा नंबर आता है। कहाँ है वो, बुलाओ उसको। वो नहीं है घर पे। कैसे रहेगा घर पे, कैसे रहेगा? मैंने उसको बोला था तेरे घर पे आऊंगी, बोलना ही नहीं चाहिए था मुझे को, सरप्राइज देना चाहिए था उसको। पर अब क्या, कोई बात नहीं, भले ही वो घर पे नहीं पर आप तो हो। घर पे होती है, कहीं नहीं जाती। आप भी कहा जाती हो? ये बहुत हो गया है, प्रिंसिपल सर मुझे को बहुत डांटते। ये एक दो स्टूडेंट की वजह से पूरे क्लासरूम की बदनामी होती है। निर्मला मैडम संभाल लीजिए ना, बस इतनी बार आगे से नहीं होगा ऐसा। पहले आपकी बेटी अब आपका बेटा, पीछा ही नहीं छोड़ता आपका खानदान मेरा। देखो ये आखिरी बार होगा जो मैं आपके घर पे आ रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं होता इसके उसके घर पे जाने का। अभी आप अगली बार कुछ होगा तो क्लासरूम में सीधा मिलने का मुझे को, समझ गई? और आप बेटी को आपने बहुत सिर पे चढ़ाया, बेटे का भी वैसा ही हाल है। ये जो पोता पोती आपका है, मुझे तो ऐसा लगता है उनके बिगड़ने का पीछे आपका सबसे ज्यादा हाथ है। बरोबर उन्हीं का है। पोता पोती का लाड ठीक है, पर इतना भी नहीं। अगर इतना लाड करोगी तो और वो आपके सिर पे बैठ के नाचेंगे, नाच ही रही वैसे तो। खुशी खुशी पहना तेरा दिया गहना। अभी मैं जाती, आपका बेटा आते ही उसकी अच्छे से कब्र लेना। आज के वीकली टेस्ट का उसका रिजल्ट बता देती हूँ मैं। पता है मुझे, 2 मार्क। अरे वाह, होशियार हो आप। आती हूँ मैं। मैडम आप सच में काफी अच्छी थी, हम ही आपको गलत समझ बैठे। सच में आपके जैसे टीचर भगवान हर स्टूडेंट को दे, यही मेरी उससे दुआ है। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी मुझे ऐसे स्टूडेंट वापस कभी ना मिले। अरे प्रसाद,